देखते ही देखते दोस्तों हम आ पहुंचे हैं 22 किलोमीटर के आगे, और यहाँ पर तो जो ब्रिजेस है वहाँ पर ही हमें चेनेज का पता चलता है। देखिए 22,740 घोड़े घाट वाला एरिया है, ये पहाड़ी आप देख सकते हैं। तो लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम हैं समृद्धि महामार्ग से, स्टार्टिंग पॉइंट से। पिछली बार जब आया था दोस्तों तो ये हाई टेंशन लाइन का काम चल रहा था। ये जो अभी जहाँ ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ वो ब्रिज भी बनने का था, और ये ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा कैनल बह रहा है, और साइड में आप देखेंगे तो एक रेल लाइन भी आपको दिखेगी। ये जो रेल लाइन है दोस्तों ये जाती है, ये रिलायंस की रेल लाइन है जो कोयला कैरी करती है वरोरा से नागपुर तक, बुटीबोरी MIDC से। तो ये उनकी स्पेशल रेल लाइन है दोस्तों। चलिए और कुछ दूर बढ़ते हैं, अभी ज़्यादा नहीं, 8-9 किलोमीटर तक है फर्स्ट पैकेज। जैसे कि आप जानते हैं 31 किलोमीटर तक मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का ये पैकेज है, फर्स्ट पैकेज। दिल तो करता है दोस्तों एक बार फिर से इस रास्ते पर निकल पड़ूं, लेकिन जानते हैं आप छुट्टियां उतनी नहीं है, और अगर हमें इस रास्ते पर जाना है तो पूरा फुल टैंक लेके पता नहीं कहाँ से रास्ता ओपन है कहाँ से नहीं है। अभी मैं पैकेज 1 के बारे में आपको बता सकता हूँ दोस्तों, बाकी के पैकेज के लिए मैं मेरे यूट्यूबर दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने एरिया के पैकेज जो है उन्होंने यूट्यूब पर डालना चाहिए, जिसकी वजह से हमें लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी समृद्धि महामार्ग के बारे में। और मेरे ख्याल से जैसे कि पैकेज 1 का मैं कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, तो ये पैकेज 1 अभी लगभग 2 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी ये 23 किलोमीटर तक हम आए हैं और यहाँ तक हमें एक भी फ्यूल स्टेशन, रेस्टिंग पॉइंट ऐसा कुछ मिला नहीं दोस्तों कि जहाँ पर टूरिस्ट रेस्ट कर सके। तो क्योंकि अगर वो नहीं रहता है तो इस रास्ते पर हम नहीं चल सकेंगे, और टोल नाके का भी, टोल प्लाजा जो है उनका भी कंस्ट्रक्शन अभी पूरा होने का है, तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने लगना है। और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों एक जो गड्ढा सा गिर गया रास्ते पर, अच्छा हो गया मेरी बाइक साइड में मुझे पता ही नहीं चला था, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है दोस्तों। चेनेज नंबर 22,740 के पास ये गड्ढा हमें दिखा है, और ये देखिए आप आर पार नीचे का ये दिखता है आपको। तो जो भी ट्रैवलर्स यहाँ से जाते हैं थोड़ा संभल के जाना, मटेरियल पूरा नीचे जा चुका है वहाँ का। चलिए बढ़ते आगे। तो ये हम अभी आ पहुंचे दोस्तों 26 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समृद्धि महामार्ग, और ये देखिए आप काफी खूबसूरत नज़ारा है ये रास्तों का। शिव जी का एक टेंपल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये रास्ता जो जा रहा है दोस्तों ये जा रहा है वर्धा की ओर, यह है नागपुर तुलजापुर हाईवे, और वहाँ का टोल प्लाजा आप देख रहे हैं अभी।
तो मुझे बस इसी ब्रिज के कंप्लीट होने का इंतज़ार था दोस्तों, क्योंकि पैकेज वन में सबसे जो ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क था वो यही ब्रिज था जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। और ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है नागपुर की ओर। तो यहाँ जो आगे चलकर एक चेनेज है 29 से 30 किलोमीटर के बीच में, वहाँ से अगर आप नागपुर के लिए जाना चाहते हो दोस्तों, तो ये भी रास्ता आपके लिए सही रहेगा। यहाँ से भी आप नागपुर के लिए जा सकते हैं, तो आपका एक टोल प्लाजा बच जाएगा। और ये रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, ये भी नागपुर तुलजापुर हाईवे भी बहुत अच्छा रास्ता है दोस्तों। तो ये ब्रिज अगर कंप्लीट हो गया है दोस्तों, तो इसका मतलब आगे हमें कुछ दिक्कत जाने वाली नहीं है, आगे का रास्ता भी कंप्लीट हो चुका होगा। और यहाँ से तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी पैकेज वन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और हिंगना तहसील का जो एरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, पैकेज वन जो है हिंगना तहसील में आता है, और इसीलिए मैं हमेशा आपको यहाँ के अपडेट्स देते रहता हूँ। तो लगभग 90% वर्क हम कह सकते हैं पैकेज वन का कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट फूड पॉइंट्स, फ्यूल पॉइंट्स। बाकी रास्ते का जो कंस्ट्रक्शन है, नियर अबाउट 90% तो हो गया है मेरे हिसाब से। चलिए और 4-5 किलोमीटर आगे चलते हैं।